सर एक मिनट सारे अकाल की जिम्मेवार भारत सरकार साडा हक साडा हक कंप्यूटर इंक्रीमेंट लेके रहेंगे कंप्यूटर इंक्रीमेंट लेके रहेंगे लागू करो कंप्यूटर इंक्रीमेंट लागू करो। मैं धनबाद सिंह प्रेसिडेंट जे एंड के ग्रामीण बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू रीजन। सर क्या कहेंगे आज का जो देखो आज की जो मुख्य आज पूरे इंडिया में ग्रामीण बैंक की टोटल हड़ताल है उसमें सर्विंग जो ऑफिसर्स एम्प्लाई हैं उनकी डिमांड्स है मेन 30,000 रिक्रूटमेंट जो पेंडिंग है वो उसके लिए बैंक की अदर भी डिमांड है लेकिन रिटायरीज की स्पेशली डिमांड है। रिटायरीज के मुतलक एक पेंशन अपडेशन है एक कंप्यूटर इंक्रीमेंट जो 4/8/2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी अब 6 महीने से ऊपर टाइम हुए लेकिन मैं कुछ बैंकों ने ये इम्प्लीमेंट नहीं की कुछ ने अगर की है हमारे भी बैंक ने जेके ग्रामीण बैंक ने की है लेकिन पार्शियल इम्प्लीमेंट की है जो 1/4/18 से पहले हमारे ऑफिसर इम्प्लाई थे उनको जो इम्प्लीमेंट नहीं की ये बहुत ज़्यादा इंजस्टिस इम्प्लाइज ऑफिसर्स के साथ कर रहे हैं। तो हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीजिएटली जो रेस्ट इम्प्लाइज हैं जिनको जो बेनिफिट नहीं मिला कंप्यूटर इंक्रीमेंट का इमीजिएटली इनको ये बेनिफिट रिस्टोर किया जाए और दिया जाए और एरियर जो 1/4/18 से देने इमीजिएटली इन द मंथ ऑफ अप्रैल डिस्पर्स किए जाए एम्प्लाइज को ये हमारी रिक्वेस्ट है। प्लस जो डेली वेजर हैं जिनके इशू हैं पेंशन अपडेशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट है वो उनके मध्य से वो करेंगे लेकिन लोकल इशू जो लोकल मैनेजमेंट है तो लोकल जो इशू है हमारे जो रिटायर्स को बिल्कुल जो टेक केयर नहीं कर रहे रिटायर्स के इशू इन्होंने डेड बस्ते में रखे हुए कोई भी इशू ये उठने नहीं दे रहे किसी का छोटा भी इशू हो लेकिन वो ऐसे डेड बैग रख देते हैं कोई भी काम करने में राजी नहीं कोई भी सेक्शन हेड कोई भी जहां काम करने को राजी नहीं है पता नहीं शायद ऊपर से मैनेजमेंट की इनको इंस्ट्रक्शन है या खुद ये अपने लेवल पे ये कर रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो मैनेजमेंट आपकी ग्रामीण बैंक की मैनेजमेंट है ये आपके साथ विश्वासघात कर रही है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा विश्वासघात कर जो इन्होंने प्रॉमिस किया था हम चेयरमैन साहब से मिले थे उन्होंने कहा था हमें ये अब क्लियर हो गया कि जो पेंशन स्कीम है जो सभी एम्प्लाइज को मिलनी है पहले इसमें डाउट था कि नवार ने एक सर को निकाला था लेकिन बाद में वो सर को उन्होंने वापस ले लिया जब उसके बावजूद इनको सब पोजीशन क्लियर थे सभी को एलिजिबल है 1093 से जो सर्विस कर रहा था वो कंप्यूटर इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल है लेकिन फिर भी इन्होंने एक गेम खेल के आधे आदमी को दिया आधे को नहीं दिया बहुत बड़ा इंजस्टिस किया हमारे साथ वो इनको तुरंत रेक्टिफाई करना चाहिए और जो एरियर है इमीडिएटली डिस्पर्स करना चाहिए जो इधर जो रिटायरी आए हुए हैं 80-85 ईयर के भी आए हुए उनको बेनिफिट नहीं पास किए जाए कब करेंगे ये कहते हैं कि वो मर जाए बाद में बेनिफिट पास करना है ये इनकी पोजीशन है।